आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टार्टअप के बारे में बताने वाला हूँ जिसे बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो राजो एक फूड ऑन डिमांड कंपनी जो कि एक साल चला। तो आखिर ऐसा डाजो के साथ क्या हुआ कि डाजो ने एक साल में अपना ऑपरेशन बंद किया। तो आइए देखते, पर आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा क्योंकि इस स्टार्टअप से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। स्विगी, जोमेटो, फूड पांडा, जब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में जो कि अपने आप में एक इंडस्ट्री माने जाते हैं, तो ये सारे स्टार्टअप फूड ऑन डिमांड स्टार्टअप से, मतलब ये स्टार्टअप्स लोगों को खाना डिलीवरी करने का काम करते। तो इतने बड़े मार्केट में डाजो ने अपनी एंट्री की, बात है 8 अक्टूबर 2015 डाजो की शुरुआत हुई। डाजो के फाउंडर मोनिका रोस्तोगी और शशांक सिंगल, इन दोनों ने मिलकर ये स्टार्टअप्स की शुरुआत की। डाजो को फर्स्ट राउंड में ही फंडिंग मिल चुकी थी और डाजो ने अपनी शुरुआत बेंगलोर में की और डाजो ने अपना ऐप मार्केट में लॉन्च किया जिससे कस्टमर फूड ऑर्डर कर सकते थे। और इनका ऐप यूज करने में बड़ा ही सिंपल था जिसे हर कोई भी बड़े आसानी तरीके से फूड ऑर्डर कर सकता था। डाजो ने बेंगलोर में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के साथ कॉन्टेक्ट किया और उन रेस्टोरेंट्स के साथ मिलकर एक बड़ी रेस्टोरेंट चेन बनाई और डाजो इन रेस्टोरेंट्स के सहारे फूड डिलीवरी करता था। यहाँ तक तो डाजो बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा था और कस्टमर्स को बड़े अच्छे अच्छे डिस्काउंट भी दे रहा था। पर यह डाजो इन्वेस्टर्स पर डिपेंड था और इन्वेस्टर आपके बिजनेस में चाहे जितने ही काम आते, पर बाकी के स्टार्टअप्स के पास फंडिंग की कोई कमी नहीं थी। इसके लिए यह स्टार्टअप मार्केट में अभी तक टिके हुए हैं। तो इतने भयंकर कंपटीशन में डाजो टिक नहीं पाया क्योंकि डाजो के पास फंडिंग की बहुत कमी थी। तो इस वजह से डाजो ने अपना ऑपरेशन शट डाउन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर करो।